हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं काजोल श्रीवास्तव। आज है पापा मम्मी की वेडिंग एनिवर्सरी, तो हम लोग आ गए हैं डिनर करने के लिए ग्रीन लीफ। ग्रीन लीफ का एक ब्रांच कल्याण में है जहां हम जा चुके हैं, बट थाने वाला ब्रांच रिसेंटली खुला है। सोचा क्यों ना इसे एक्सप्लोर किया जाए, बिकॉज ये काफ़ी बड़ा है। यहाँ का इंटीरियर डेकोर बहुत बहुत अच्छा है, लाइटिंग्स बहुत अच्छी हैं, म्यूज़िक बहुत अच्छा है, तो सोचा क्यों ना डिनर करने यहाँ जाए। खाना कैसा था ये मैं आपको ब्लॉग में आगे बताऊँगी। केक कटिंग के बाद हमने थोड़ा सा म्यूज़िक एंजॉय किया। अगर बात करें खाने की, तो खाना हम में से किसी को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। फ्रैंकली स्पीकिंग, खाने का टेस्ट अच्छा नहीं था। बस इसका इंटीरियर काफ़ी अच्छा है, लेकिन जो मेन चीज़ होती है खाना, जिसके लिए आप रेस्टोरेंट जाते हो, अगर वो ही अच्छा नहीं है तो आप दोबारा नहीं जाओगे। तो मुझे नहीं लगता हम दोबारा यहाँ कभी जाने वाले हैं। कैसे हैं आप सब लोग। मैं पहुंच गई हूँ मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन में, और यू विल नॉट बिलीव इतना सरप्राइजिंगली इतना फटाफट ये ट्रिप बना है। आई कांट टेल यू, मतलब मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि मैं ये ट्रिप बनाऊं, बट नहीं बन पा रहा था, तो फाइनली बन गया है ट्रिप। कौन कौन जा रहा है, कहाँ कहाँ जा रहे हैं, चलिए हमारे साथ सब दिखाती हूँ। फिलहाल ये है मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रॉम इंदौर सिटी। बोलो बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो जैसे कि आप जानते हैं कि मुझे कवर करने हैं 12 ज्योतिर्लिंग, और मैं जब भी छुट्टी मुझे मिलती है या जब भी हमारा टाइमिंग मैच करता है मेरे अंकित छुट्टी का या कोई भी प्लान बन पाता है, तो मैं फटाफट जाकर दर्शन कर लेती हूँ। एंड जयपुर से मैं दर्शन करके लौटी, और उसके बाद मैंने अंकित से बोला कि इस वीकेंड चले क्या हम इंदौर, तो उसने बोला इस वीकेंड, ऐसे हाँ पर टिकट्स अवेलेबल नहीं थे, तो हमारा प्लान ड्रॉप हो गया। एंड सडनली ही सेड कि आज की टिकट्स चेक करता हूँ, और टिकट्स मिल गए, और मैं मम्मी जीजू जिजी और अंकित आ गए दर्शन करने के लिए। बहुत लंबे टाइम से प्लान था, और कहीं ना कहीं मैंने सोच रखा था कि जब ध्रुव तारा ख़त्म होगा या छुट्टी मिलेगी तो उसके बाद मैं पहले दर्शन करने के लिए जाऊंगी। एंड यार आया, शिव जी ने मुझे बुला लिया, वेरी एक्साइटेड, बहुत अच्छा मौसम है, तो चलिए मेरे साथ। होपफुली मैं कुछ पार्ट कवर कर पाऊँ, बिकॉज आई नो कि मंदिर में फ़ोन अलाउड नहीं होते हैं, बट आपको मेरी ट्रिप में दिख ले जाऊँगी साथ में मेरे। फिलहाल हम खाना खाने के लिए रुके हुए हैं। ओह, नाम नहीं दिखा, वन सेकेंड, आगे जाते हैं। खाना खाने के लिए रुके हुए हैं, काफ़ी अच्छा मौसम है, भूख लगी है। आई थिंक यहाँ से आधे घंटे में पहुँच जाएंगे। महाकाल वाले लिख लगा रहा ना, इतना सारा नाइस। हमने यहाँ गाड़ी पार्क कर दी है, वॉकिंग टूवर्ड्स द गेट नंबर 1। बारिश हो रही है, ओह माय गॉड, भागो भागो, बहुत जोर की बारिश आ गई है, हम सब लोग यहाँ खड़े हैं। हो गए हैं हम लोगों के दर्शन, और क्या कमाल के दर्शन हुए, आई कांट टेल यू, बहुत बहुत प्यारे दर्शन हुए। अंदर फोन ले जाना अलाउड नहीं होता है, वरना मैं दिखा पाती आपको, पर ये है मंदिर।
और बहुत सुंदर। आप तो पंचमुखी छोड़ दो ना, मैं ले जाऊंगा। हाय हमारे जो तक रावण कैलाश पर्वत उठाता हुआ। अच्छा ले जाता है ना तब तो अच्छा। ये सुंदर लगता है वहां शाम को, ये दिखने लगा कमल भरे ना बीच में। तो हो गए हैं हमारे दर्शन, अब हम जा रहे हैं टूवर्ड्स आर कार। हमने ले ली थी बैटरी कार क्योंकि मैं पहचान के जो रिलेटिव्स हैं वो यहीं रहते हैं और उनके थ्रू में वो मिल गई थी। तो हमने जो पूरा मंदिर का प्रमाइसिस था वो बैटरी कार में घूम लिया, तो वाइज बहुत चलना पड़ता। तो बहुत अच्छे दर्शन हो गए, बहुत अच्छा सब कुछ था। यानी मंदिर इतना सुंदर बनाया है, बहुत खूबसूरत बनाया है, एवरीथिंग इज़ सो ब्यूटीफुल। आप कैसे लगता है, रुक जाओ दो मिनट देख लो फिर निकलो, बट हम सिंस बैटरी कार में थे तो बहुत देर रुक नहीं पाए, बट बहुत सुंदर है बहुत। अब हम पहुंच गए काल भैरव मंदिर, बहुत भीड़ है, ओ माय गॉड देख के लग रहा है बहुत ज़्यादा भीड़ है। भैरव बाबा के दर्शन हो गए हैं, मंदिर से लौटते वक्त मम्मी की तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, उन्हें फीवर आने लगा था, तो हम डायरेक्टली उन्हें लेकर चले गए हॉस्पिटल, क्योंकि मम्मी के लिए काफ़ी एग्जॉस्टिंग ट्रिप था। हम दो दिन पहले ही जयपुर से लौटे थे और डायरेक्टली हम फिर इंदौर ट्रिप के लिए निकल आए, तो मम्मी को बिल्कुल रेस्ट नहीं मिला। तो हमने डिसाइड किया कि आज का दिन हम कहीं नहीं जाएंगे, हम सिर्फ और सिर्फ होटल में रहेंगे ताकि मम्मी को थोड़ा बेटर महसूस हो। कितने छोटे प्यारे बच्चे हो तुम तो यार, थैंक यू बेटू। और क्या खाओगे? वाले की प्लेट दे रखी है खाने को। तो मम्मी की तबीयत इतनी अच्छी नहीं थी कि वो ओमकारेश्वर दर्शन के लिए जा पाए, और ओमकारेश्वर के दर्शन वो पहले भी कर चुकी हैं, उनके सारे ज्योतिर्लिंग हो चुके हैं। तो उन्होंने हमसे बोला कि तुम लोग चले जाओ बिकॉज़ तुम्हारी छुट्टी का प्रॉब्लम है, हम लोग यहीं रुक जाते हैं। तो मैं और अंकित निकले हैं ओमकारेश्वर दर्शन के लिए। कार पार्किंग मंदिर प्रमाइसेस से काफ़ी दूर होती है और झूला पुल जाने के लिए या तो आप चलकर जा सकते हैं या तो आप रिक्शा कर सकते हैं, तो हमने कर लिया रिक्शा। अब हम जा रहे हैं झूला पुल की तरफ। हम पहुंच गए हैं झूला पुल और हम वेट कर रहे हैं उनका जिनसे हम मिलने वाले हैं, जो हमें दर्शन करवाने वाले हैं। दर्शन और इतने खूबसूरत दर्शन आए, इतने सुंदर।
ओमकारेश्वर मंदिर के अपोजिट में है ममलेश्वर मंदिर, जहां हम दर्शन करने के लिए अब जा रहे हैं। फिर हमने नर्मदा जी में की बोटिंग और वाकई यहाँ के लगा कितना खूबसूरत है ये। बाकी लोगों को डुबकी लगाते देख हमारा भी बहुत मन हुआ कि काश हमारे पास थोड़ा टाइम होता, हम कपड़े लेकर आते ताकि हम भी नर्मदा जी में डुबकी लगा पाते, बट अनफॉर्चुनेटली हम नहीं कर पाए। अब हम निकल गए हैं वापस होटल की तरफ। हम फटाफट होटल पहुँचे और वहाँ से तुरंत चेंज करके निकल गए भाभी दादा के यहाँ, जहाँ मैंने बिल्कुल भी ब्लॉग नहीं बनाया बिकॉज मैं सबसे मिलने में बिज़ी हो गई थी। हमने वहाँ पर खाना नहीं खाया तो भाभी ने हमारे लिए पूरा खाना पैक कर दिया था और इतना अच्छा खाना खा के दिल खुश हो गया। अब हम जा रहे हैं वापस मुंबई। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी नए ब्लॉग के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।